भजन। गदेरों को पार करने के लिए जो पानी है इसको पार करने के लिए पत्थर बना रखे हैं। जो ज़्यादा पानी आ जाता है तो नीचे पुल के रास्ते जाना पड़ता है, पर अभी ठीक है, यहीं पे इन्हीं से जाते हैं। अभी जैसे ये जाएगा ऐसे जाते हैं, और फिसलन भी होती है इनमें बहुत ज़्यादा, अगर फिसल गया तो फिर गया फिर पानी में और चोट अलग लगेगी। यहाँ पर हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, और मंदिर देखिए आप, पीपल के पेड़ के ठीक नीचे बना हुआ है। ये है हमारे यहाँ का शिव मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव पंचभक्तेश्वर रूप में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर देवदार के लंबे लंबे पेड़ लगे हैं, और उनके बीच में एक खूबसूरत सा और प्यारा सा मंदिर। इसमें ऊपर से जल चढ़ाया जाता है, और वो जल फिर बूंद बूंद या धारी के रूप में नीचे शिवलिंग पर गिरता रहता है। कभी जैसे खासकर सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो ये ऊपर जल से पूरा भर जाता है, तो आप सीधा जल नीचे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो जल अंदर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो इस रास्ते बाहर को आता है, इसलिए कभी भी इसके ऊपर से लांग के नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है, जहाँ पर अनेक प्रकार के हवन संपन्न किए जाते हैं।
ये यहाँ इसके अंदर बहुत बड़े पत्थर के नीचे एक गुफा है। अभी तो ये बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अभी यहाँ पास इस खिड़की के ठीक सामने अंदर गुफा में जाने का दरवाजा है, वहीं से बड़े से पत्थर के नीचे गुफा है। वहीं बहुत पहले एक साधु साधना करते थे, जिन्हें मैंने भी देखा था बचपन में, अब तो नहीं है। मंदिर के बाहर की पूरी दीवार अभी 2 महीने पहले 20 अगस्त को आपदा आई थी, उसमें बह गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मंदिर तक भी पानी पहुंच सकता है कभी, पर ऐसा हुआ है। प्रकृति के सामने हम सब बेबस हैं। यहाँ रोड से भी सारा मलबा नीचे डाल रखा है, उससे सारा जो पानी था वो उस साइड से इस साइड पलट गया और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। तो रोड बनाने वालों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो ये मलबा है वो डंपिंग जोन में ही डालें, ताकि नुकसान कम से कम हो। आई बर गए जो आने दावण के तो यहाँ पर हम बचपन में शाम के टाइम डेली बैठे रहते थे इस बरगद के पेड़ के नीचे, और इसकी जो टहनियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं उन पर झूला झूला करते थे, तो बहुत मज़ा आता था। अब तो लोग मोबाइल में ही झूला झूलते रहते हैं। यहाँ से देखिए कितना नुकसान हुआ है। हमारे भी यहाँ पर 3 खेत थे जो अब नहीं हैं, तो खेत जाने का दर्द वही समझ सकता है जिसके यहाँ पर खेत रहे होंगे। बाकी तो ये रास्ता, और आप यकीन नहीं करेंगे, इस रास्ते के दोनों ओर फसलों से हरे भरे खेत हुआ करते थे, और अब देखिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। धन्यवाद।